ओके सो शुरू करते हैं टॉपिक रोलिंग। सो रोलिंग को भी हम लोग जैसे चार पार्ट में सभी टॉपिक को पढ़ रहे थे, रोलिंग को भी चार पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये ब्लैक का व्हाइट, तो सबसे पहला टॉपिक जो एक्चुअली आप लोग पहले से जानते हैं, याद है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बीटा। सिखाए थे। सो रोलिंग के लिए जब आप पढ़ रहे हैं तो देर आर ओनली फोर ऑब्जेक्ट्स जो रोल कर सकते हैं, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ओके सो इनका मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखाया था, रिंग, हॉलो स्फीयर, डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। नाउ ये देखिए, रिंग जो होता है वो अंदर से हॉलो होता है, ये भी हॉलो होता है, तो ये हॉलो हॉलो पहले आता है। हॉलो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है कंपेयर टू फिल्ड ऑब्जेक्ट का, तो ज्यादा वाला मैंने ऊपर लिखा, कम वाला नीचे लिखा है। सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बताया था 2/2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/4 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5, mr² एंड mr², समझे बात को। सो मैंने आपसे कहा था कि इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक ही बार लिखना हो तो उसको हम लोग बीटा mr² कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें यही हमारा बीटा है। सो अभी से जो भी फॉर्मूले हम लोग सीखेंगे उसमें मैं ये वैल्यूज नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तो सबके लिए अलग अलग होंगे, सो मैं डायरेक्ट बीटा यूज करूंगा। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आपको बीटा की वैल्यू चेंज करते जाना है, ठीक है। तो ये तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तो पहले से लिखा हुआ है, याद जरूर रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इसमें कोई वो डाउट नहीं है कि चलो थोड़ा याद है थोड़ा सोच लेंगे, नहीं नहीं ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ दिक्कत होगी तो आगे का तो मामला गड़बड़ ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के पार्ट में, रोलिंग। कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पे अगर रोल कर रहा है तो उसके पास एक वेलोसिटी होगी v और उसके पास एक ओमेगा होगा ओमेगा, ठीक है। बाय चांस थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि जो वेलोसिटी है उसके कारण अगर इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाले तो निगेटिव आता है, नहीं नहीं पॉजिटिव आता है, और ये भी पॉजिटिव है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है ना। सो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, मुझे लगा एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, नहीं ऐसा कहीं नहीं, ठीक है ना। सो जो दोनों मोमेंटम आ रहा है वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही आ रहा है। नाउ रोलिंग की एक कंडीशन होती है कि जब लोएस्ट पॉइंट है वो ग्राउंड को टच कर रहा होता है, इट मस्ट नॉट स्लिप। ओके सो पहली बात जो इंपॉर्टेंट है, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट नॉट स्लिप। ठीक है ना, ये स्लिप नहीं होनी चाहिए, क्लियर। So, याद होगा हमने स्टेशनरी एक्सिस की बात की थी, स्टेशनरी पॉइंट मिल गया ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ग्राउंड तो स्टेशनरी है तो जो पॉइंट उसके कांटेक्ट में है वो भी स्टेशनरी हो जाएगा, मोमेंटरली होता है, मतलब सिर्फ उसी समय होता है, थोड़ी देर बाद वो फिर धीरे से उठ के ऊपर चला जाता है, मूव करने लगता है, लेकिन इंस्टेंट एक इंस्टेंट पे वो स्टेशनरी होता है, तो वो हमारे लिए स्टेशनरी एक्सिस का काम करता है, ठीक है ना।
सो स्टेशनरी एक्सिस वो हो गया, इसलिए हम लोग किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी v इक्वल टू आर जो कि ये है इनटू ओमेगा लिख सकते हैं, ये स्टेशनरी पॉइंट के अबाउट ही लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए स्टेशनरी पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इजीएस्ट भी होता है, जब भी आपको एक्सिस सेलेक्ट करने का ऑप्शन हो, तो मैंने कहा ये दो ही ऑप्शन है, स्टेशनरी पॉइंट मोस्ट प्रेफरेबल एंड सेकेंड ऑप्शन नहीं, अगर स्टेशनरी पॉइंट आप ढूंढ पा रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। इसके अलावा कहीं और एक्सिस लेंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन चला जाए, ठीक है ना। तो दूसरी बात कि v की वैल्यू r ओमेगा के बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये दो बातें बहुत अच्छे से समझ के रखना है कि कहीं भी रोलिंग का मतलब है नो स्लिपिंग, वी और आर ओमेगा इक्वल, ठीक है। चलिए अगली बात कहता है कि जब ये रोल कर रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि दो ही फोर्स है, एक तो ये नॉर्मल लगेगा जो एक्सिस से ही पास हो रहा है, एक ये एमजी लगेगा वो भी एक्सिस से पास हो रहा है, तो दोनों के दोनों टॉर्क जीरो। अच्छी बात है कि अगर फ्रिक्शन लगे तो वो भी तो वहीं से पास करेगा, तो फ्रिक्शन के कारण टॉर्क भी जीरो। समझ रहे हो एक्सिस का कितना इंपॉर्टेंस है, कि सारे तीन तीन फोर्स लग रहे हैं लेकिन सारे के सारे फोर्स का टॉर्क जीरो हो गया, ठीक है। सो नो टॉर्क तो गारंटेड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। सिंपल ही लिख देता हूं, ठीक है ना। प्योर रोलिंग होनी चाहिए, हेडिंग में थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, हम लोग प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, प्योर मतलब स्लिप नहीं हो रहा है तब, ठीक है ना। प्योर रोलिंग का मतलब वो पॉइंट स्लिप नहीं हो रहा। चलिए एक और कहता है स्लिप नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इस पे अभी वही तीन फोर्स होंगे, ग्रेविटी, नॉर्मल और स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक तब होता है जब स्लिप कर रहा होता है, याद है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है और स्टैटिक फ्रिक्शन एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, आप लोग जानते हो, वो एनर्जी को इधर से उधर ट्रांसफर कर देता है, लेकिन यहां तो ट्रांसफर भी नहीं करेगा क्योंकि वो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगा तब तो वर्क डन होगा एफ डॉट एस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर है भी ना तो वो वर्क डन नहीं करेगा, एनर्जी की चोरी नहीं करेगा, वो सिर्फ एनर्जी का थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का काम आता है, इधर से उधर उधर से उधर कर देता है, लेकिन वो खुद नहीं कंज्यूम करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन एनर्जी खा जाता है, ठीक है ना। तो एनर्जी भी समझ रहे हैं, तो ये पांच चार बातें लिख लीजिए इसके बारे में, क्योंकि प्योर रोलिंग में ये स्लिपिंग नहीं होती। चलिए अगला वाला पॉइंट भी समझा देता हूं, उसके बाद नोट कीजिएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट समझा देता हूं नाउ द फर्स्ट, ये तो जनरल बातें थी जो जाननी थी आपको, क्वेश्चन आपको इसके ऊपर नहीं आएगा, ये सब जो भी अभी हम लोगों ने सीखा ये सब तो यूज होगा क्वेश्चन बनाते समय। क्वेश्चन कहां से शुरू, तो क्वेश्चन शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। सो पहला टॉपिक जो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। सो देखते हैं एनर्जी का क्या होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने डायग्राम बनाया था कि एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट खुद ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसके पास एनर्जी होगी। कौन कौन सी एनर्जी होगी? पहले ही होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एमवी स्क्वायर। दूसरा होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझे? ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, ओके। लेकिन हम ऐड नहीं करने जा रहे हैं,
उसके पहले एक राज की बात सीख लेते हैं। कहता है कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एमवी स्क्वायर है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली बीटा इनटू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो आई कैन राइट इट बीटा इनटू हाफ एमवी स्क्वायर, या ऊपर वाले को अगर मैं लिखूं तो वन बाय बीटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, या वन बाय बीटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे जब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, तो मैं इन दोनों को नहीं ऐड करूंगा, मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगा। समझ रहे ना, दोनों में हाफ एमवी स्क्वायर, उसमें भी हाफ एमवी स्क्वायर। सो यहां हो जाएगा वन प्लस बीटा हाफ एमवी स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो राइट इट कि क्यों ना सर इन दोनों को ऐड कर दो, दिस एंड दिस, सो वन प्लस वन बाय बीटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एकदम क्लियर है, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं। ओके, अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, जो कि आपको ऑलरेडी दिख गया होगा कि ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल, नहीं ये ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी है एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, इसका रेशियो वन बीटा वन प्लस बीटा। ये बात समझ में आ रही है? ओके, सो ये जो समझ रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यही है। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बताइए कि रोटेशनल और लीनियर के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा। ओके, कोई जरूरत नहीं है सब करने की, दिख रहा है कि रोटेशनल इज बीटा ट्रांसलेशनल इज वन, या रोटेशनल और टोटल पूछ लिया तो बीटा वन प्लस बीटा, ट्रांसलेशनल टोटल का कितना फ्रैक्शन होगा तो वन अपॉन वन प्लस बीटा। अब तो इंग्लिश मतलब मैथमेटिक्स जिस भी तरह से पूछे बस इस पे नजर रखना है। ओके, कभी कभार पूछ लेते हैं उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है, रोटेशनल कितना होगा, तो लोग क्या करते हैं ट्रांसलेशनल से वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी से ओमेगा निकालते हैं, आई निकालते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ये वन है तो ये बीटा होगा, तो ये 5 है तो ये 5 बीटा हो जाएगा। समझे, सो रेशियो इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर दिस टॉपिक। समझे बात को? गुड, सो अब ये दोनों चीजें आप लोग कॉपी कर लीजिए, प्योर रोलिंग की कंडीशंस और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।